तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हो सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड का, जो कि मेरा 2028 में हुआ था और उसकी रिपोर्ट जल्दी ही मेरे चैनल पर आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूंगी। तो फिलहाल मैं आज अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि कैसा हुआ था, डर लगा था नहीं लगा था, पेन हुआ था नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऐसे माइंड में सेट होता है कि है ना पेन होता है, बहुत पेन होता है, नहीं कराना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो आज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। सो आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर रखा होगा, जिससे क्या होता है ना कि मैं जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन सबसे पहले आती है और आप मेरी सारी वीडियोज़ को एंजॉय कर पाते हैं। तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि ये क्यों होता है, क्यों कराना चाहिए, प्रेगनेंसी में होता है नहीं होता है, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल पर अलग से वीडियो मिल जाएगी इससे पहले या इससे बाद में। तो चलिए आज जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, तो सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि मुझे बहुत डर लगा था जब डॉक्टर ने बताया था कि हाँ वजाइनल के थ्रू आपका अल्ट्रासाउंड होने वाला है। आई डोंट नो कि कितना पेन होगा नहीं होगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था कैसे होता है ये अल्ट्रासाउंड। और मैं आप लोगों को बताऊं, जब मेरी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही थी तो डॉक्टर ने मुझे एडवाइज़ किया था। सो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड्स तो मेरे बहुत ही सारे हुए हैं, बहुत ही सारे हुए हैं, क्योंकि मुझे दो बार पथरी भी हो चुकी है और प्रेगनेंसी के लिए भी मैंने बहुत ट्राई किया, तो हर एक टाइम पे सिर्फ अल्ट्रासाउंड होता था। बट फर्स्ट टाइम जो मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ वो फर्स्ट टाइम का है, जब मेरा TVS हुआ था। तो डॉक्टर ने मुझे एडवाइज़ किया था कि जब आपके पीरियड्स के 12th डे आपको ये अल्ट्रासाउंड कराना है। ये मैं तब की बात बता रही हूँ जब मैं कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही थी, तो डॉक्टर ने मुझे पीरियड्स के 12th डे के लिए अल्ट्रासाउंड के लिए बोला था। तो मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे जहाँ पे अल्ट्रासाउंड होते हैं वहाँ पे भेजा। बहुत डर लग रहा था बट मुझे कराना तो था ही, और डॉक्टर ने भी एडवाइस किया था और बेबी भी चाहिए था सो कराना तो था। सो डॉक्टर ने मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल अंदर बुलाया, उन्होंने मुझे यूरिन पास करने के लिए बोला। जब भी आपका TVS होगा तो वो आपका यूरिन पास करने के लिए ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि ऐसा होता है जब तक आपका यूरिन पास आउट नहीं होता है तो क्लियरली सब कुछ मेंशन नहीं होता है, स्क्रीन पर शो नहीं होता है अच्छे से। तो सबसे पहले मेरा यूरिन पास करवाया और उसके बाद में एक पोजीशन होती है जिसमें मैं यहाँ पर पिक्चर के थ्रू मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। इस पोजीशन में मुझे लिटा दिया गया और उस टाइम पर मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी, बट हार्ट बीट का और अल्ट्रासाउंड का कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो नॉर्मल सी पोजीशन में आपको लिटा दिया जाएगा और एक इंस्ट्रूमेंट होता है पिक्चर के थ्रू, यहाँ पे मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में, सिर्फ वो इंसर्ट करते हैं आपके वजाइना में और उसके थ्रू आपका अल्ट्रासाउंड क्लियरली मेंशन होता है कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्योंकि बहुत ही बारीकी से वो देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्यों कंसीव नहीं हो रहा है। तो मैं कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही थी उस टाइम पे मेरा ये अल्ट्रासाउंड हुआ था, और रिपोर्ट जल्दी ही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी किसी और अलग वीडियो में, जल्दी ही आएगी इसके बाद या इससे पहले ज़रूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में मेरी TVS रिपोर्ट। सो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आई थी, बट जो भी होता है क्लियरली आपको बता दिया जाता है। और टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 15 से 20 मिनट आपके इस अल्ट्रासाउंड में लग सकते हैं, पेन आपको नहीं होगा, पेन बिल्कुल भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वो इंस्ट्रूमेंट आपको फील होता है, पेन नहीं होता है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं कि कैसा होगा क्यों होगा, तो बहुत ही नॉर्मल सा TVS होता है, नॉर्मल सा अल्ट्रासाउंड होता है, सिर्फ वो पेट के ऊपर से होता है, एब्डोमिनल के ऊपर से एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड होता है और ये वजाइना के थ्रू अल्ट्रासाउंड होता है। सो बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, नॉर्मल से आप जाइए, बहुत ही इजी सा अल्ट्रासाउंड है, 15 से 20 मिनट में हो जाता है विदाउट पेन और आपको बहुत ही अच्छे से रिपोर्ट मिल जाती है। थोड़ा सा टाइम लगता है आपको रिपोर्ट लेने के लिए, बट विदाउट पेन ये अल्ट्रासाउंड होता है। सो ऐसा था मेरा एक्सपीरियंस, आई होप आप लोगों को थोड़ी बहुत तो यूजफुल लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोज। कोई भी सजेशंस या कोई भी क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो टिल देन बाय बाय।